हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये है आज हमारा पहला ब्लॉग। बिट्टू कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे बिट्टू? से हाय। हाय कर दो, एक बार हाय कर दो। हाय हाय हेलो। कहाँ जा रहे हैं हम? तो हम जा रहे हैं आज चिड़ियाघर घूमने के लिए। एंड पुगू को काफ़ी ज़्यादा पसंद है एनिमल्स, तो मैंने सोचा चलो आज घूम आते हैं चिड़ियाघर। दिल्ली में काफ़ी गर्मी है मुझे पता है, बट ठीक है यार, थोड़ी देर के लिए तो बनता है घूमने। और आप देख सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा इंजॉय कर रहा है कार में, बहुत ज़्यादा डांस करते हुए ये जा रहा है अभी। तो देखते हैं कि अभी आगे ये कैसे रिएक्ट करता है एनिमल्स को देख के इन रियल। एक बार मैं इसे पटना के भी ज़ू में ले जा चुकी हूँ और उस टाइम ये काफ़ी छोटा था, तो इसने इतना ज़्यादा लाइक समझा ही नहीं कि वो कहाँ गया है घूमने एंड क्या। बट मुझे लग रहा है कि आज ये काफ़ी इंजॉय कर रहा है, देखते हैं। मज़ा आ रहा है, एक बार हाई कर दो, इसमें हाई कर दो। बजे 1:30 एंड कोशिश की गई है कि 2:30 से पहले हम पहुंच जाएं एंड वहाँ हमें मेरी कजन सिस्टर उनके बच्चे भी ज्वाइन करने वाले हैं। और ये भी डांस कर करके थक गए और आई थिंक ये सोने वाला है और ये सो चुका है, तो चलो ठीक। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया कि हम चिड़ियाघर आए हैं आज घूमने के लिए, तो यहाँ पे मुझे मेरी कजिन सिस्टर और उनके बच्चों ने ज्वाइन किया, आप देख सकते हैं पीछे। और ये है पुगो, इसको अभी जस्ट चॉकलेट मिला है। से हाय सोना, हाय। तो चलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ सभी से। ये है शालू, ये है राधा और ये मेरी दीदी है। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए अब हम एंटर करते हैं और ये है टिकट काउंटर एंड क्लॉक रूम एंड ये है उसके बाहर का एरिया। यहाँ पे खाने पीने की भी चीज़ें काफ़ी मिल रही थी और उसके बाहर था कार पार्किंग का एरिया। एंड यहाँ पे टिकट काउंटर एंड क्लॉक रूम है जहाँ पे आप अपना कुछ सामान रख सकते हैं अगर आपको अंदर नहीं लेके जाना है। और मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि लाइक वो खाने पीने की चीज़ें कुछ भी नहीं ले जाने देते, एंट्री नहीं देते। तो आपने देखा होगा कि मेरे बेबी के हाथ में चॉकलेट्स एंड बिस्किट्स है, तो उन्होंने नहीं ले जाने के लिए दिया, तो मेरे हस्बैंड वापस जाके रख के आए थे कार में। बट हाँ, वो बैग मैं लेके गई थी जिसमें मेरे बेबी का दूध एंड डाइपर एंड मैंने एक एक्स्ट्रा कपड़े रख लिया था, तो वो उन्होंने जाने दिया था। दूध में कोई मना नहीं करता कि लाइक ऑब्वियसली लाइक बेबी बिना दूध के कैसे रहेगा, तो वो ले जाने दिया था। तो मैं बाहर खड़ी थी उनके लिए दोबारा से एंड आपने देखा कि मैं लेट एंट्री की थी, तो पुगो कैसे मुझ पर गुस्सा हो रहा है क्योंकि वो दीदी और बच्चों के साथ एंट्री कर चुका था। ये देखिए, और फिर मैंने उसको मनाने और हंसाने की कोशिश की और आप देख सकते हैं कि वो फिर नॉर्मल हो गया। तो चलिए फिर घूमते हैं आज चिड़ियाघर। और अब आज हमारे पास लाइक ज़्यादा टाइम नहीं है, तो हम इलेक्ट्रिक रिक्शा लेने वाले हैं। यहाँ पे अंदर एक गाड़ी चलती है तो उसी पे बैठ के घूमेंगे क्योंकि धूप भी काफ़ी ज़्यादा है, तो पैदल चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा बेबी के साथ। तो बस प्लानिंग तो अभी तक यही है, देखते हैं कितना घूम पाते हैं। और फिर हम लोग बैठ गए और फिर देखते हैं कि लाइक कितना दिखता है, बिकॉज़ मुझे लगता है कि इस धूप में ज़्यादा एनिमल्स तो दिखेंगे नहीं, बट जो भी दिख जाए तो उसी में देखते हैं कि लाइक पुगो कैसे रिएक्ट करता है और उसको क्या मज़ा आता है या नहीं आता है, तो देखते हैं। तो चलिए फिर मैं आपको चिड़ियाघर घुमाती हूँ।
तो यहाँ हमें एक टाइगर दिखा, आप देख सकते हैं वो भी काफ़ी दूर था, तो लाइक पास से नहीं दिख पाई और इन पुगु तो समझ भी नहीं पाया कि वो क्या देख रहा है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा दूर था। एंड उसके जस्ट लाइक बगल में या फिर ऑपोजिट में ये क्रोकोडाइल था। तो और उसके बाद हम आगे बढ़े तो यहाँ पे हमें कोई भी जानवर नहीं दिखा। अब देख सकते हो लाइक सारे के सारे पिंजरे ये खाली पड़े हुए हैं। मुझे लगता है सब अंदर होंगे धूप की वजह से, तो कुछ भी नहीं दिखा। और उसके आगे भी और देखा तो कहीं भी कुछ दिख ही नहीं रहा था। तो काफ़ी आगे आने के बाद फाइनली हमें ये चीता देखने को मिला जो कि अकेला पिंजरे में घूम रहा है इधर से इधर इधर से इधर। मुझे लग रहा है ये बोर हो रहा है शायद या फिर किसी टेंशन में तो ये घूम रहा है। फिर आगे ये हाथी मिला, इसको तो मेरा बेबी लाइक काफ़ी पसंद करता है। वो जैसे देखा वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया और उसको बुलाने की भी कोशिश कर रहा है। आप देख सकते हैं वो उसको बुला रहा है, बोल रहा है काम काम आ जाओ आ जाओ, उसके उसे वो गोदी लेने लेने लेना चाह रहा है। तो और मुझे भी बोला है प्लीज़ मम्मा कर रहा था, तो वो आगे जा ही नहीं रहा था। तो उसका ध्यान हमने कैसे भी डिस्ट्रैक्ट किया, फिर हम आगे बढ़े वहाँ से। आप देख सकते हैं आप देख सकते हैं लाइक पुगु और ये बच्चे काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं। और ये ट्रिप भी हमने इसलिए बनाया भी था कि चलो आज चलते हैं ताकि बच्चे आपस में इन्जॉय कर सके। तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था कि लाइक पुगु एक्चुअली अकेले मेरे और सौरभ के साथ काफ़ी बोर भी होता है, तो आज काफ़ी इन्जॉय कर रहा था। तो मैं बहुत खुश हो रही हूँ उसको देख के। ये देखो मेरा बाल कैसे खींच रहा है ये। तो यहाँ हमें एक ये मोर दिखी, वो भी काफ़ी लाइक अपने पंख फैला के बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रही थी। और पुगो काफ़ी खुश हो गया मोर को देख के, क्योंकि वो जैसे राइम्स एंड ऑल में देखता है कि नानी तेरी मोरनी को वाला सॉन्ग, तो वो काफ़ी रिलेट कर पा रहा था। और वो वहाँ पे वो भी सॉन्ग गाने लग गया था कि और बोल रहा था मोर मोर।
आई होप हमारा ये क्यूट सा व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।